हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस, मैं सीएस रैंक पुशिंग कर रहा था, इसलिए मेरा बीआरए रैंक का ग्रैंड मास्टर यहां पे उतर चुका है। और भाई, ग्रैंड मास्टर का स्कोर तो देखो यार, कितना ज्यादा ऊपर जा चुका है, 12,250 आसपास। और मेरा रैंक स्कोर आप लोग देखो 10,780 आसपास है, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा नीचे हूं। और मेरे को ग्रैंड मास्टर लगाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करके खेलना पड़ेगा। और मैं एक दिन के अंदर ही ग्रैंड मास्टर लगाने का कोशिश करूंगा फिलहाल। और गाइस, सोलो विंस के अंदर भी तुम्हारा भाई नहीं है तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो सोलो विंस के लिए भी पुशिंग करेंगे दबा के। और रीजन टॉप 100 के अंदर जाने का कोशिश करेंगे, ज्यादा ऊपर तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपना आईडी में अकेला ही पुशिंग करता हूँ। बाकी अकेला खेल के भाई रीजन टॉप 100 के अंदर तो जा ही सकता हूँ। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे को सोलो विंस के अंदर देखना चाहते हो तो कॉमेंट करो। बाकी आज का मैच स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है मेरा पहला मैच और यहाँ पे मेरा 4 किल हो चुके हैं। अभी भी 4 बंदे अलाइव है इतने छोटे जोन में, तो देखते हैं बंदे लोग इधर। चलो फाइट कर रहे हैं दो बंदा भाई, नीचे आना। अरे, और एक बंदा डैमेज दे रहा है यार मेरे को, क्या बोलूं यार, कवर लेता हूँ। थोड़ा कवर छोड़ोगे भाई बीआर रैंक के अंदर तो भाई किधर किधर से मारते हैं पता ही नहीं चलता। रुक जाओ, इधर फाइट कर रहे हैं। शायद वो बंदा मर गया अभी, और 3 बंदे बचे मेरे को छोड़ के, तो निकलेगा तो गाइस इसको मारेंगे ही मारेंगे। रुको, वेट करते हैं यहाँ पे। आ जा भाई, निकल जा। ओके, निकल गया। चलो भाई ग्लोल, अरे मर गया। चलो, मैं डर गया था भाई, ग्लोल लगा लिया अब तो नहीं मार पाऊंगा इसको, निकल जाएगा सोचा, बाकी मर गया। अरे एक बंदा भाई यहाँ बैठ के उसको मारने का दिमाग लगा रहा था, प्लानिंग बना रहा था। बाकी मैं पीछे से आके इसको पेल दिया हेडशॉट। ओ, शायद लड़की थी गई, सब लड़की लोग का तो दिमाग होता नहीं आपको पता है। यहाँ पे एक बंदा बचा है, इसको घुस के मारेंगे गाइस, एक दो ग्रेनेड करके डैमेज करने की कोशिश करेंगे। लग जा, अरे वो भी ग्रेनेड फेंक रहा है भाई, अब तो रश करना पड़ेगा, क्यों रिक्स लेना भाई, वो मार देगा ग्रेनेड से तो। आजा, अरे अच्छा बंदा है, अरे हेडशॉट बोलते भाई। चलो गाइस, पहला मैच हमारा बुया हो चुका है और इसमें हमको मिला 25 का प्लस। अब ये है मेरा दूसरा मैच और यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो चुका है। मेरे पास देखो यार 5 ही ग्लोल बस है, क्योंकि मैं ज्यादा किल नहीं किया हूँ और बस एक ही किल है मेरे पास। और मेरा M10 भी देखो अच्छा गन नहीं है और चिप भी नहीं लगा है M10 में। तो यहाँ पे देखो बंदे लोग ऐसे जगह में हैं कि भाई इनको मारना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का लग रहा है मेरे को। ऊपर के साइड सब बंदे हैं तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको और होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो होल्ड करोगे ना तो बुया निकलेगा। अगर आपका गेम प्ले जितना भी अच्छा हो, रस करोगे तो बुया नहीं निकलेगा, इतना तो मैं सीख चुका हूँ, तो आप लोग को ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं बहुत ज़्यादा होल्ड करता हूँ, एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पे अभी भी 3 बंदे अलाइव थे मेरे को छोड़ के, तो ये बंदे लोग फाइट नहीं कर रहे आपस में, तो मैं यहाँ नीचे ही रहता हूँ। बाकी एक बंदा को वेट किया, ये बंदा जैसे ही मरा ऊपर में भाई, मैं इसका लूट करने आया, क्योंकि यार मेरे पास लूट ही नहीं था यार। इसके पास आया तो सब कुछ देखो लूट फटाफट में किया, एनहेलर भी मेरे को मिल गया अच्छा खासा और गन भी मिल गया यहाँ पे। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ वो बंदा को मारने के लिए, 2 बंदे बचे हैं। चलो, इसका ग्लोल फोड़े, इसको पेलते हैं। अरे ग्लोल लगा ले, इसका ग्लोल तोड़ के इसको मारूंगा, उसके बाद उसको मारूंगा। अरे यार ये ग्लोल भाई, ग्लोल वाला कैरेक्टर लगा लेते हैं ना तो भाई ग्लोल टूटता ही नहीं, क्या ही बोलूं। अरे चलो, उसको मार दिया उसने भाई, किल चोरी कर लिया, कोई ना इसको तो मारेंगे। अरे यार ग्लोल लगा लिया भाई, मर जा। ओके चलो भाई, मेरा M10 रिलोड हो जाता, कितना मुश्किल से मारा। तो यार दूसरा मैच भी हमारा बुया हो चुका है यहाँ पे। एक बात तो है यार, सोलो के अंदर अगर आप लोग पुशिंग करोगे तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत है, 10-10 किल अगर कर लिए तो भी कम प्लस होता है, तो यार माइनस बहुत ज़्यादा लगता है, प्लस बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल है सोलो में, कहीं से भी बंदे मार देते हैं। तो यार सोलो पुशिंग वाले को तो सैल्यूट करता हूँ यार, बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं भी एक सोलो पुशर ही हूँ। तो एक बंदा यहाँ पे आया था गाइस, इसको मैं ना वो जो फेक के करेक्टर ब्लॉक करते हैं वो फेक के इसको मार दिया। मैं कमजोरी नहीं करता यार, मेरा ग्लोल वगैरह सब कुछ एक बंदा को मारने में लगा देता हूँ, ताकि वो बंदा मरेगा तो उसका लूट मेरे को फिर से मिल जाएगा। तो भाई ऐसा, अगर मैं कमजोसी करने के चक्कर में बहुत बार मरा भी हूँ तो अभी सीख चुका हूँ यार, कमजोसी बिल्कुल भी नहीं करता। तो गाइस यहाँ पे हमारा 9 किलो हो चुका है और अभी 2 बंदे अलाइव है। बाकी ये लोग कहाँ पे हैं, मेरे को इनका लोकेशन तो पता नहीं है, तो देखते हैं यार ऊपर में ही होंगे। ओके, ऊपर में है दोनों बंदा, फाइट कर रहे हैं। चलो जल्दी से हम लोग ऊपर जाते हैं और थर्ड पार्टी करेंगे। अरे मार दिया एक बंदा को, अब एक ही बंदा बचा है, उसको मेरे को देखने से पहले मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, वो डैमेज होगा शायद मेरे को लग रहा है जहाँ तक। सीधा घुसते हैं, चलो अचानक से सरप्राइज अटैक करेंगे, हुकुम बनाए भाई।
मर जा। अरे यार कितना ज्यादा डैमेज दे दिया ये भाई ड्रैगन, क्या ही बोलो। कहाँ है, आजा आजा। अरे भाई उधर देख रहा था लेकिन मैं पीछे से इसको मार दिया और बुया हमारा हो गया गाइस। यहाँ पे देखो हमारा स्कोर हो चुका है 11,000 प्लस और 10 का स्ट्रिक भी हो गया। यार यहाँ पे देखो आप लोग, यार मैं हमेशा ड्रोन छोड़ता हूँ लास्ट जोन में, जब भी मेरे को बंदा का लोकेशन पता नहीं होता तो यहाँ पे मैं एक ड्रोन छोड़ता हूँ भाई देखो। और ड्रोन में मेरे को ना बंदा का लोकेशन पता चलता आगे के साइड था, तो मैं यहाँ पे आगे के साइड आता हूँ। तो भाई ये दोनों बंदे आपस में फाइट ऐसे कर रहे थे गुलोल के पीछे, बट उतने में ही मेरे को एक बंदा यहाँ पे दिखता है जो खड़ा था उसको देख रहा था। तो भाई इसको मैं पीछे से हेडशॉट मार देता हूँ एम करके, जो सुकून मिला भाई आए है, मजा आ गया। वो शायद मेरे को गाली दे रहा होगा, इतने में ही और एक बंदा मेरे को यहाँ पे मारता है भाई, इसको मैं हेडशॉट मारता हूँ। और M4A1 में बहुत ज़्यादा अच्छा हेडशॉट लग रहा है अभी के टाइम पे। ये बंदा को चाहता तो मैं मार सकता था दूर से, लेकिन मैं वेपन ग्रेड बढ़ा रहा हूँ M10 में, तो भाई इसको मैं दूर से नहीं मारा और M10 में मारूंगा सोच के इसको रिवाइव होने दिया और M10 में इसको मार भी दिया। अब ये मैच भी हमारा बढ़िया हो गया और प्लस अच्छा खासा हमारा लगातार होते जा रहा है। भाई लोग भाई लोग भाई लोग अपना मंजिल करीब आते जा रहा है। यहाँ पे देखो रैंक स्कोर तुम्हारा भाई का हो चुका है 11,552 और ग्रैंड मास्टर का स्कोर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 12,000 हो चुका है। बाकी और 500 प्लस करना था तो मैं मैच स्टार्ट कर देता हूँ। और अभी बिना रुके फटाफट भाई मैच खेला और अच्छा खासा प्लस भी हो रहा था और एक दिन के अंदर जितना प्लस किया हूँ सब दिखाऊंगा आपको। तो एक बंदा यहाँ पे होता है भाई, इसको मैं करेक्टर लगा के मारता हूँ। बाकी ये बंदा बच जाता है तो ये बंदा ना ग्लोल लगा लेता है। अब इसको मैं घुस के मार देता हूँ, तभी और एक बंदा भाई यहाँ पे रश करता है। ग्रेनेड वगैरह तो फेंक रहा था, बाकी यहाँ पे 1v1 फाइट था, हम दोनों बचे थे। तो वो बंदा मेरे ऊपर अंधाधुंध रश कर रहा था, पता नहीं ये बॉम्ब वगैरह सब फेंक रहा था। उसका लोकेशन मेरे को यहाँ पे पता नहीं चला था अभी तक भी। तो मैं यहाँ पे जैसे आया ना, मेरे को लगा कहीं ना कहीं बंदा घर के ऊपर हो सकता है। अब मैं बिना रुके घर के ऊपर आ गया तो बंदा मेरे को दिखा ही नहीं। अब भाई मैं घर के अंदर घुस गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी बंदा मेरे को नहीं दिखा। अब देखो गाइस यहाँ से बंदा अचानक निकलता है कहाँ से पता नहीं, तो इसको मैं M10 से मार देता हूँ और इजीली ये मैच भी हमारा बुइया हो जाता है। और अच्छा खासा यहाँ पे हमारा प्लस हो रहा था गाइस। तो ये मैच के अंदर ना 5 किल मेरा हो चुका था और 4 बंदे बचे थे, तो मैं एक ड्रोन छोड़ा था वैसे बताऊँ तो। और ड्रोन के अंदर 2 बंदे मेरे को दिख गए, तो 2 बंदे उधर के साइड थे, इसका मतलब एक बंदा इधर हो सकता है। तो जो एक बंदा है उसको मैं मारूंगा और 2 बंदा आपस में फाइट करेंगे, एक बंदा बचेगा तो उसको मारूंगा सोचा मैं। और इधर के साइड आया और यहाँ पे ये बंदा को देखा, डैमेज दिया और ग्लोल लगाया। बाकी वो बंदा मेरे को हेडशॉट मार दिया यार, मैं उसको ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाया। फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, लेकिन ये बंदा भाई मेरे ऊपर रश कर रहा है। मतलब यार तुम्हारे भाई के ऊपर रश कर रहा है, तरुण भैया के ऊपर, मतलब क्या नुबड़ा समझे हैं क्या भैया हमको? अरे बनी बंडल है क्या, रीजन प्लेयर, आ जा आ जा भाई आ जा। ओ भाई अच्छा ग्लोल लगा रहा है यार, मर ना जाऊँ यार, इज्जत का फलोडा हो जाएगा मेरा। इसको तो पेल के ही रहूँगा जितना ग्लोल लगा, पेल पेल ये लगा। ये भाई मूवमेंट दिखा रहा है तरुण भाई के आगे, कोई बोल सकता है क्या? भाई मूवमेंट दिखाएगा तो कोई फायदा नहीं, मेरे सामने कोई नहीं टिक पाओगे 1v1 में। ओपन चैलेंज देता हूँ भाई सभी को, 1v1 में कोई मार नहीं सकता मेरे को। तो यहाँ पे गए 2 बंदे बचे, एक बंदा ये ग्लोल के पीछे, एक बंदा वाइट ग्लोल के पीछे। तो ये क्लोज वाला बंदा ज़्यादा खतरा है मेरे लिए, तो लैंडमाइन बिछा दिया हूँ वहाँ पे। अरे ये डैमेज था शायद से, मैं सोचा इसको मारूंगा भागेगा मेरा ग्लोल का कवर में, तो भाई लैंडमाइन में मरेगा। बाकी ये बंदा नहीं भागता है। अब एक बंदा बचा यार, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा हमको, अंधाधुंध रश नहीं करूंगा बिकॉज वाइज मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा माइनस हो जाए, मतलब बुया माइनस हो जाए। इतना मुश्किल से लास्ट जोन तक आया हूँ, अगर बुया निकल गया हाथ से तो क्या ही बोलूँ। बंदा एम कर रहा है, वन शॉट मारने का ट्राई कर रहा है। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ, कोई बंदा अगर एम करे तो निकलना मत, क्योंकि वो 1-2 बंदा को पहले से ही मारा होगा, इसीलिए उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और खुले में घूमता है। तो इसलिए मैं नहीं निकल रहा था, क्या भरोसा भाई वन टैप लग जाए मेरे को मार दे तो। और मैं यहाँ पे ग्रेनेड वगैरह कर रहा था, उसका ग्लोल ख़त्म भी करने का कोशिश कर रहा था। बाकी देखो पूरा कवर टू कवर में फायर किया और जैसे ही डैमेज हुआ ना सीधा रश कर दिया, क्योंकि दूर में ये वन टैप मार रहा था मेरे को। और देखो क्लोज में आया तो इसका भाई बोलती बंद हो गया, खड़ा था मूवमेंट भी थोड़ा नहीं, तो इसको इजीली मार के मैं ख़त्म कर दिया। ये मैच ना गाइस मिल में बना था जोन, और मैं मिल पे ही था तभी मेरे को एक बंदा पीछे से डैमेज देता है। अब ये बंदा का लोकेशन मेरे को यहाँ पे पता चलता है। बाकी मेरा मेडिकिट यहाँ पे पूरा नहीं था तो मेडिकिट करता हूँ एक,
और पीछे के साइड नज़र भी लग रहा था कोई बंदा आ ना जाए। दो किल बस था मेरा, हार्ड लॉबी आया था इसमें। ग्रैंड मास्टर का करीब मैं पहुंच चुका हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे, इसलिए हार्ड लॉबी दे रहा है गैरेना वाला अभी के टाइम पे, और हमेशा होता है यही चीज। और इस बार अगर ग्रैंड मास्टर में लगा लिया ना तो भाई मैं ग्रैंड मास्टर से नहीं उतरूंगा, लगातार प्लस करते जाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लस करने की कोशिश करूंगा। बाकी देखते हैं कब तक हमारा ग्रैंड मास्टर लगेगा। 11,000 तो स्कोर हो चुका है हमारा। ये बंदा निकल जाए यार, अरे निकल ना भाई, अरे निकल गया भाई। ये मेरे को पीछे से डैमेज दिया था, इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं। आ जा मर जा। ओके सोने बन गया, मर गया भाई। मेरे को जो बंदा डैमेज देता है ना उसको तो मैं मार के ही रहता हूँ, या फिर जितना डैमेज मेरे को दिया होता है उसका बराबर करवा के ही मानता हूँ। नहीं तो मेरे को गुस्सा आता भाई, कोई बंदा ऐसे डैमेज देके कैसे चल जाएगा तरुण भैया को। तो यहाँ पे दो बंदे फाइट कर रहे हैं यार। अरे यार रिकॉइल हो जाता है देखो, मतलब ड्रैग करता हूँ हेडशॉट मारने के लिए तो लगता है, बाकी हर एक बार नहीं लगता, एक एक बार भाई बहुत रिकॉइल हो जाता है। अभी जैसे रिकॉइल हुआ। अरे यार दूसरा बंदा मार रहा है यार, क्या बोलूँ भाई, थर्डपार्टी करते हैं। 1v1 में आ जाओ यार, डम है तो। ये क्या मतलब थर्डपार्टी लगा के रखे हो भाई, कोई बात नहीं, थर्डपार्टी से ही बचने का तरीका पता है तुम्हारा भाई को यार। यहाँ पे चलो रिपेयर किट कर चुके हैं हमारा। ये दोनों बंदे को मारने का तरीका क्या है बताओ। देखो ये दोनों नीचे के साइड है, तो मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई एक को ग्रेनेड से मारने की कोशिश करूँगा पहले, अगर ये बंदा को डैमेज नहीं आया तो भाई दूसरा प्लेन टू यूज करूँगा। अब उसको तो डैमेज नहीं आया तो मैं पीछे जाके ये बंदा को टारगेट करता हूँ, किसी को तो मारना पड़ेगा। चलो ये बंदा तो इजीली मर गया भाई, ये सब कैरेक्टर की स्किल का कमाल है भाई। मेरा कैरेक्टर स्किल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये कैरेक्टर स्किल में बहुत खतरनाक बंदे को मारता हूँ यार। अब आप लोग भी यूज मत कर लेना भाई, नहीं तो मेरे ओपोनेंट में आओगे भाई आप लोग और मेरे को मार के चले गए तो। अरे लगा लेना भाई, बहुत अच्छा करेक्टर है, आप लोग का भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये, आपका मर्जी भाई आप लोग लगा सकते हो। बाकी एक बंदा यहाँ पे बचा यार, इसको मारते हैं सबसे पहले, इसका ग्लोल तोड़ना पड़ेगा लोगों रोंचर पे के। ओके चलो एक हेडशॉट लगाए। आजा भाई आजा, ये रस कर रहा है क्या मेरे ऊपर गाइस? हाँ रस कर रहा लग रहा है मेरे को, रुको रुक जा। आजा निकल जा भाई, आजा निकल जा। अरे मर। ओके चलो सोनिया बन गया M10 में। अरे यार M10 में मारता तो किल आता M10 में, क्या ही बोलूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला एक दिन के अंदर मैं ग्रैंड मास्टर लगाऊंगा और कितना प्लस हो पाएगा देखूंगा, तो यहाँ पे देखो एक दिन के अंदर मेरा 12,250 आसपास प्लस हो गया है, मतलब 10,700 था और इतना ज़्यादा मैं प्लस किया एक दिन के अंदर, तो और ज़्यादा मैं प्लस नहीं कर पाया, उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। तो यार आज तो हम लोग ग्रैंड मास्टर नहीं लगा पाए क्योंकि यार ग्रैंड मास्टर का स्कोर बढ़ते ही जा रहा था, मैं जितना देखा था उससे ज़्यादा फिर से बढ़ गया पुशिंग करते टाइम, तो ग्रैंड मास्टर तो नहीं लगा पाया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ग्रैंड मास्टर पक्का लगाएंगे। तो यार चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू डे साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।